हाय माय ब्यूटीफुल फैमिली, सो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की रीडिंग हम करेंगे कि आपके पर्सन मिस करते हैं, डज ही मिस यू और नॉट। ठीक है, मिस करते हैं कि नहीं करते हैं वो आपको। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल मैं सबके लिए रीडिंग बनाती हूँ, कोई मैं जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ फीमेल के लिए है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए है ये। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो क्या वो आपको याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं, जैसे आप याद करते हो वैसे ही वो भी याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस टॉपिक पे आज की रीडिंग हम करने वाले हैं, और इसके लिए मैंने आपके सामने टू पाइल्स रखी हैं, पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रही हूँ, देखो आप, ये है पाइल नंबर 1। ठीक है, दिख रहा है ना, पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो ये रहा पाइल, और जिसके लिए आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, जो जिसमें लग रहा है ना कि आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर इस पाइल में है, और इस में जो है ना, ये मैंने पहले ही कार्ड्स निकाल के रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा ही टाइम लग जाता है मुझे और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं कार्ड्स। तो जिसके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है वही कार्ड आप लोग चुनना, और टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख लेना टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ ये रीडिंग। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अब हम आपकी रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन आपको मिस करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इन कार्ड्स के बारे में आपको बता देती हूँ। देखो, ये कार्ड आपने चुना है, जिन्होंने भी ये चुना है ये कार्ड, तो आपकी एनर्जी या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, दोनों में से किसी की एनर्जी ये हो सकती है। तो देखो, यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो मुझे दिख रही है कि आप या फिर आपके पर्सन अपने कोई जो है ना एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, उसी बात को सोच कर कि आप बहुत परेशान हो, और एक जो होता है ना कि हाँ क्लियर डिसीज़न ले लेना, तो वो आप नहीं ले पा रहे हो या फिर आपके पर्सन नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कि हैंग्ड पड़ा है, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि मैं फंस के रह गया हूँ इसमें और अब मैं बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, तो ये है पाइल 1। चलिए अब हम देखते हैं, अब आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं, क्या मतलब आपके लिए जो है ना वो आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी फीलिंग देखेंगे, करंट फीलिंग हम देखेंगे। ठीक है ना, इन कार्ड से, और इस कार्ड से हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि वो कब तक लेंगे आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। तो इनको मैं बाद में देखूंगी, इनको मैं रखती हूँ यहाँ साइड में, और इन कार्ड से हम देखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आई हैं बाहर। तो यहाँ पे मेरे पास है द सीर, ओके, यहाँ पे है एट ऑफ वेसल्स का कार्ड, ओके, फिर है यहाँ पे मेरे पास नाइन ऑफ वेसल्स, उसके बाद है मेरे पास सेवन ऑफ स्टोन, ओके, उसके बाद है एस ऑफ एरोस, और है मेरे पास द ग्रेट बियर, और है सेवन ऑफ बोस का कार्ड, ओके। तो देखो, आपके पर्सन, पहले मैं साइन बता दूँ आप लोगों को, कार्ड्स दिख रहे हैं ना अच्छे से आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पे है वाटर साइन, अर्थ, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, फायर भी है और एयर भी है, तो आपके पर्सन किसी भी साइन के हो सकते हैं, क्योंकि चारों ही एलिमेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। तो देखो, अभी आप लोग तो नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि हम ये नो कांटेक्ट वालों की ही रीडिंग कर रहे हैं, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं,
तो देखो उनकी फीलिंग जो है ना अभी है कि वो आपको जो है ना डबल फेस वाली जो है ना औरत या फिर लेडी जो है ना वो समझते हैं, ऐसा उन वो आपको देखते हैं ना कि आपके दो चेहरे हैं, मतलब आप सामने कुछ और बगल में कुछ होती हैं। आप अपने फीलिंग्स को सामने आने नहीं देती हैं, अपने सच्चाई को सामने नहीं आने देती हैं। आप बोलती कुछ हैं, करती कुछ हैं, कुछ ऐसी वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है? तो आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, और ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना एजुकेटेड हैं। देखिए हर बात रेजोनेट नहीं करती है, ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का आप लोग ख्याल रखें, ठीक है? तो आप जो है ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये मुझसे ना हमेशा बातें छुपाती हैं, हमेशा कुछ क्लियर नहीं बोलती हैं। अपने इनके इनके अंदर ना बहुत सारे राज हैं जो ये अपने अंदर छुपाए बैठी हैं, ऐसा कुछ जो है ना आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? और वो आपको मिस करते हैं कि नहीं, तो देखो मिस तो करते हैं। देखो यहाँ पे एट ऑफ वेसल्स का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सैड हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है ना कि अब चीजें सही नहीं हो सकती हैं शायद, तो अब हम आगे बढ़ना ही सही रहेगा, हमारा आगे बढ़ना ही सही रहेगा। अगर हो सके तो ये जो है ना ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जो है ना उनके सामने ये प्रपोजल रखता हूँ तो पता नहीं ये एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये वाली भी एनर्जी है उनको जो है ना थोड़ा सा ये है कि एक होता है ना कि होपलेस आदमी हो जाता है, तो वही है, होपलेस हो गए हैं आपके पर्सन। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो आपको मिस करते हैं, वो आपको याद करते हैं, और वो आपको आपके साथ जो है ना न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आया है, तो ये जो है ना पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अब फिर से अपने नए जीवन की नए लाइफ की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ ही जो है ना ये प्रपोजल आपको फिर से वापस आएंगे और फिर से आपको प्रपोजल देंगे, ठीक है? यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटल्स का भी कार्ड है, तो ये जो एनर्जीज है ना ये मुझे बता रही है कि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, उन्हें बहुत अच्छी जॉब होगी। देखो जॉब की मैं बात करती हूँ तो जॉब आपके पर्सन करे ना करे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? तो हर बात मैं बोलती हूँ कि आपके साथ रिजोनेट करेगी कि नहीं करेगी, ये एक जनरल रीडिंग है। वैसे ही लो आप कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे जनरल रीडिंग है भाई, ये बात भी तो ध्यान रखो ना। खैर यहाँ पे जो एनर्जी है ना नाइन ऑफ वेसल्स का कार्ड, तो ये मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे उनको ईगो भी है कहीं ना कहीं जो है ना, उनको ईगो भी है, उनको अपना स्टेटस दिखता है कि हाँ मैं इस स्टेटस पे हूँ और मेरा पर्सन मुझसे थोड़ा सा कम स्टेटस वाला है, तो मेरा उसके साथ कैसे, थोड़ा सा जो है ना ये वाली भी एनर्जी है इनकी, और इनको ईगो भी है, इनको लगता है ना कि मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में बहुत ही एफर्ट्स मैंने डाले हैं, लेकिन मेरा पर्सन वो डिजर्व नहीं करता जितना मैंने किया है, अब उसको करना चाहिए, मैं ही कितना क्यों करूँ, मैं ही इतना एफर्ट्स क्यों डाल रहा हूँ, तो उनकी तरफ से मुझे एफर्ट्स मिलने चाहिए, ठीक है? तो वो इसलिए जो है ना वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि भाई अभी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ एक्शन नहीं लूंगा, ठीक है? तो ऐसी है एनर्जी। और देखो यहाँ पे और कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। देखो यहाँ पे सेवन ऑफ स्टोन का कार्ड है, तो आप ना खुद को हील कर रहे हो, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं, सैड वाली एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी याद उन्हें आती है और जब भी याद आती है उनको तोड़ के रख देती है, ठीक है? उनको ऐसा फील होता है ना कि मैंने मैंने ऐसा क्यों किया, उनको जो है ना अंदर ही अंदर रिग्रेट फील होता है, बहुत कोसते हैं वो खुद को, और आप भी कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ही ज्यादा अपने आप को रिग्रेट फील करते हो, बहुत ही ज्यादा अपने आप को दोषी मानते हो कि मैं मेरे से ये कैसे हो गया, मैं इस पर्सन के चक्कर में कैसे पड़ गया, कैसे पड़ गई, ठीक है? ऐसा कुछ जो है ना आप सोचते हो। और यहाँ पे
कहीं ना कहीं जो है ना निकलने की भी कोशिश कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं सोचना है उसके बारे में, अभी नहीं सोचना है, नहीं करना है, लेकिन फिर भी जो है ना आप कंटिन्यू कर रहे हो उसको, ठीक है ना, चाहते हुए भी कंटिन्यू कर रहे हो, आपके माइंड में जो है ना वो सारी चीजें भरी हुई हैं जो आपने इन इस पर्सन के साथ जो लम्हे बिताए हैं ना, जो पल बिताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद है, और उन्हीं के कारण जो है ना आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, एकदम से जो है ना आपकी फीलिंग स्टक हो गई है कि आपको एकदम लग ही नहीं रहा है ना, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे मूव ऑन करना है तो करना है कैसे, खुद को ही रिग्रेट कर रहे हो, खुद को ही ये दोषी मान रहे हो कि क्यों क्यों आखिर क्यों, ठीक है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आपको ये भी है, ठीक है, और आप इतने अंदर से टूटे हुए हो ना, इतने अंदर से टूटे हुए हो कि अब आप इस पर्सन को माफ नहीं करोगे दिल से, ठीक है, माफ कर भी देते हो ना तो दिल से माफ नहीं करोगे, और जो रिलेशनशिप आपका पहले था ना, जिस रिलेशनशिप में आप पहले थे, ऐसा हो गया ना आपके साथ कि अगर ये पर्सन आपको दोबारा आकर के मिले, दोबारा आकर कहे कि हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, गलती अपनी मानता हूँ, तो आप उन्हें माफ करोगे लेकिन दिल से नहीं करोगे, इतने अंदर से आप टूट गए होगी, ठीक है, बहुत कुछ जो है ना आपको बहुत तकलीफ हुई है, मैं यहाँ पे कार्ड्स को तो वो देख करके महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी जो है ना बहुत लोग की एनर्जी मैं यहाँ पे पिकअप कर पा रही हूँ कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे उनकी ये वाली सिचुएशन है कि वो खुद को हील कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, घुट घुट के एक आदमी होता है ना कि घुट घुट के जीता है, तो वैसी वाली एनर्जी जो है ना आपकी हो गई है, ठीक है, चलो अब आपके पर्सन आपको तो मिस करते हैं तो उनका क्या है, आगे का क्या है, देखो अब जो है ना आगे ये सोच रहे ना कि अब मुझे न्यू बिगनिंग करना है अपने पर्सन के साथ, देखो एस ऑफ एरोस का कार्ड है, तो आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, अब अपने रिलेशनशिप को वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, अब आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे ये चाहते हैं कि अब मैं मैरिज कर लूं इनसे, ठीक है, और चैन की सांस लूं, क्योंकि अभी तो है इनकी सांसें बंद हो गई हैं, मतलब कि इन्हें जो इतनी याद आ रही है ना, इतना पेन हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, आपकी याद आ रही है इन्हें, इन्हें रिग्रेट भी फील हो रहा है कि हाँ मैंने तो उस पर्सन के साथ गलत कर दिया, ठीक है, तो रिग्रेट भी फील हो रहा है उन्हें, और आपके पर्सन आपके साथ अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अब उन्हें एहसास हो गया है तो अब वो जो है ना न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं ये भी देखूं कि आपकी क्या एनर्जी है, तो आप भी चाहते हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, आपको वेट है, आपको यूनिवर्स पे भरोसा है, एंजल्स पे भरोसा है, आप जिनको मानते हो उन पे भरोसा है आपको कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैंने किसी का गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ना कि उनका कर्मा उनको मिलेगा, मेरा कर्मा मुझे मिलेगा, ठीक है, तो आप कर्मा पे भी बिलीव करते हो, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी जो है ना द ग्रेट बियर ये भी मुझे बता रहा है कि आप को जस्टिस चाहिए, आप जस्टिस चाहते हो, आपको किसी कीमत पे जस्टिस चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 7 ऑफ कोर्स का कार्ड है, तो अब जो है ना अब आपके पर्सन जो जो भी कंफ्यूजन था, जो भी चीज थी, जो क्लियरिटी नहीं थी ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, बैलेंस नहीं था, ट्रस्ट इश्यूज था, तो वो सब जो है ना अब आपके पर्सन के माइंड से ये सारी चीजें क्लीन होंगी, हटेंगी, और एक क्लियरिटी आएगी आपके लिए जो है ना, उनके थॉट्स उनके माइंड में जो है ना ये एक क्लियरिटी आएगी कि नहीं मैं उस वक्त मेरे पर्सन को ऐसा समझता था लेकिन वो वैसी नहीं थी, वैसा नहीं था, मेरा पर्सन ऐसा था जो अभी मुझे दिख रहा है, मुझे अभी सच्चाई में दिख रही है, ठीक है, तो उनको जो है ना अब सच्चाई दिखेगी, अब क्लियरिटी आएगी, ठीक है, और आपके पर्सन आपके साथ जो है ना न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके आपके सामने वो प्रपोजल रखेंगे, इतना दिल तोड़ने के बाद, आपको इतनी तकलीफ देने के बाद भी जो है ना वो आएंगे आपके पास, एक बार आपसे माफी जरूर मांगेंगे, और यहाँ पे आपको जो है ना जस्टिस मिलेगा, ठीक है,
तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि एक्शन कब तक लेंगे। द एम्परर का कार्ड है, मैंने कहा ही ना कि आपके पर्सन ईगो वाले हैं, इन्होंने बहुत कुछ मेहनत से, अपने मेहनत से कमाया है, और ये जो है ना खुद की चलाना चाहते हैं। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है ना कि मैं जो बोलूँ ना वो ही बस हो। आप क्या बोलते हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ ना वही होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि इन 4 वीक्स में, 4 डेज में, या 4 मंथ भी लग सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है। तो 4 मंथ लास्ट जो होता है ना कि एक मैक्सिमम टाइम, तो यहाँ पे 4 मंथ मैं मैक्सिमम टाइम बोलूंगी, और यहाँ पे 4 वीक्स 4 डेज भी लग सकते हैं किसी किसी के लिए, 4 आवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन इतने टाइम में जो है ना आप को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट वो जरूर करेंगे इतने टाइम पीरियड में, ठीक है ना। तो चलो कुछ हम मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, क्या कहना चाहते हैं वो आपको, मिस कर रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। वाह बहुत सारे हो गए ये तो। चलो इतने देखते हैं। मैं चाहूँ तुझे किसी, सॉरी मैं भी तड़प रहा हूँ, सो वो भी तड़प रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, और मुझे पता है आप मुझे माफ नहीं करोगे। तो उन्होंने जो गलतियाँ की है ना उसके लिए वो माफी मांगेंगे, मैंने कहा ही, और उनको पता है कि आप माफ नहीं करोगे उन्हें, उन्हें जो उन्होंने गलतियां की हैं वो माफी के लायक ही नहीं है। इस तरह इतना दर्द में इन्होंने आपको छोड़ा, इतनी तकलीफ में छोड़ी उन्होंने आपको। चलो मैं डरता हूँ कि कुछ हो ना जाए, तो इनको कहीं ना कहीं जो है ना कुछ किसी बात का डर भी है, ठीक है। और मुझे एक किस चाहिए तो आपसे जो है ना वो किस मांग रहे हैं, और ये है सॉन्ग, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरी बिन साजना। ये जो है ना सॉन्ग आपके लिए गाते होंगे, या फिर आपका फेवरेट होगा या उनका फेवरेट होगा। मैं चाह कर भी नहीं आ सकता, तो उनके सामने कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो देखो ये अगला लास्ट मैसेज कितना प्यारा निकला है, देखो बाबू आई लव यू तो जो है ना ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, वही बोल रहे हैं बाबू आई लव यू। तो ये रही आज की रीडिंग, सो जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ही है ये रीडिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने कार्ड चुना है स्ट्रेटजी का, तो यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे देख करके पता चल रहा है कि आपके पर्सन जो है ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपको कॉल करने का, आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, कोई ना कोई जो है ना इनकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। या फिर आप जो है ना कोई प्लानिंग कर रहे हो अपने पर्सन से बात करने के लिए, उनके पास जाने के लिए, कुछ जो है ना ऐसी चल रही है थिंकिंग आप दोनों की, ठीक है। दोनों में से किसी की थिंकिंग चल रही है कि हाँ अब तो है ना, अब मिलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप लोगों को नो कांटेक्ट में गए हुए, ठीक है। तो चलो इस कार्ड को हम बाद में देखेंगे, ये है उनका एक्शन, और कब तक लेंगे ये हम देखेंगे इस कार्ड से, ठीक है ना। तो मैं इस कार्ड को रखती हूँ इधर, और यहाँ पे मेरे पास ये कार्ड्स हैं, तो इन कार्ड से मैं देखूंगी आपके पर्सन की करेंट फीलिंग वो, और देखूंगी कि हाँ वो याद करते हैं कि नहीं, उनका एक्शन क्या होगा, ठीक है। और कब तक लेंगे तो वो तो हम इस कार्ड से ले देखेंगे ना, तो वो हम इस कार्ड से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं एनर्जीज क्या हैं। वाओ द लवर्स, पहला ही कार्ड आ गया द लवर्स, वाओ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। द हैंगमैन, ओके ओके। द डेविल का कार्ड है यहाँ पे,
सो नो प्रॉब्लम, द डेविल का कार्ड है तो कोई ये नहीं है। यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है मेरे पास किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो कार्ड्स दिख रहे हैं आपको अच्छे से ना, लाइट ज़्यादा हो गई। तो देखो यहाँ पे जो कार्ड्स है ना वो मुझे बता रहे हैं। अब पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, नहीं तो बोलोगे कि साइन नहीं बताया आपने। तो साइन है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, फायर है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एयर भी है। तो आपके पर्सन किसी भी साइन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कोई भी साइन हो सकता है। ठीक है, तो साइन कोई मैटर नहीं करता है ऐसे। ठीक है, जब रीडिंग रेजोनेट करती है ना हमारे साथ, सिचुएशन रेजोनेट करती है ना, तो कोई मैटर नहीं करता। चलो अब हम देखते हैं एनर्जीज। तो यहाँ पे जो है ना एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, आपके पर्सन आपको मिस करते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है ना आपको कि जब कार्ड रीडिंग्स आप लोग देखते हो तो पता ही चल रहा होगा कि क्या कार्ड्स की एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। और मेरे मुझे जो वाइब्स मिलेंगी और एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो पहले मुझे दिख रहा है कि पहले आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे निगेटिविटी मुझे दिख रही है। द डेविल का कार्ड है यहाँ पे, तो रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी है और आपके पर्सन के माइंड में बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी है। आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कर रखा है, कुछ ऐसी सिचुएशंस खड़ी रखी हैं सामने कि आपके पर्सन चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे कांटेक्ट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है, लेकिन आपके बारे में सोचते जरूर हैं। देखो द हैंगमैन का कार्ड है ना यहाँ पे, तो आपके पर्सन डीपली थिंकिंग करते हैं, डीपली सोचते हैं कि हाँ मेरा पर्सन तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके माइंड में निगेटिविटी भरी गई है और निगेटिविटी है। ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोचते हैं हाँ निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये आपके बारे में जो है ना वो हमेशा सोचते हैं। और बस सोच के ही जो है ना वो रुक से जाते हैं। कोई होता है ना कि हाँ चलो सोच लिया, अब एक्शन ले लेते हैं, तो वो वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। आपके पर्सन मिस करते हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, तो द लवर्स का कार्ड आप लोग देख करके ही आपको पता चल गया होगा कि हाँ मेरे पर्सन तो मुझे मिस करते हैं, क्योंकि वो आपसे लव करते हैं। ठीक है, और आप भी उनसे बहुत ही ज्यादा लव करते हो, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो आप उनसे। और देखो द लवर्स है तो आप और वो दोनों ही कनेक्टेड हो एक दूसरे से, बहुत ही ज्यादा जो है ना फीलिंग और होती है कि नहीं भाई मैं तो नहीं रह पाऊंगा, मैं तो नहीं रह पाऊंगी उनके बिना, ऐसी कुछ जो है ना एनर्जी ऐसी वाली मुझे दिख रही है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो हो ना यहाँ पे आप चाहते हो रीयूनियन, अपने पर्सन के साथ रीयूनियन चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा पर्सन मुझसे बात करे, आपके पर्सन भी चाहते हैं कि हम दोनों का रीयूनियन हो और हम दोनों फिर से मिले, फिर से वही लाइफ जिए। ठीक है, तो आप ये चाहते हो। तो यहाँ पे एनर्जीज जिसके अनुसार आई हैं, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग, कुछ लोगों का यहाँ पे कार्मिक रिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ना आप राइट टाइम का वेट करो, क्योंकि आपके पर्सन भी राइट टाइम का ही वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि सही समय पे ही सारी चीजें सही होंगी, ये निगेटिविटी जो है ये भी दूर होगी, लेकिन राइट टाइम पे। और ये राइट टाइम कब आएगा, तो ये बहुत ही जल्द आने वाला है। यहाँ पे अक्टूबर के बाद से सारी चीजें सही होने लगेंगी, बहुत लोगों की लाइफ में जो है ना अक्टूबर के बाद शुरू होंगी और बहुत लोगों का अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो अक्टूबर में जो तो ज्यादा टाइम है नहीं, तो यहाँ पे तो यही मुझे दिख रहा है कि अब आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए जो है ना ये सोचेंगे। ठीक है, लेकिन इनको जो है ना पहले डेस्टिनी पे इन्हें भरोसा है कि डेस्टिनी जो करेगी ना वो सही करेगी। कहीं ना कहीं आपको भी डेस्टिनी पे भरोसा है कि नहीं जो होगा ना वो सही होगा, यूनिवर्स मेरे साथ गलत करेगी ही नहीं, यूनिवर्स जो देगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी है।
और आपके पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत ही अपने कैरियर पे, अपने स्टडी पे, अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे बहुत ही ज्यादा जो है ना वो फोकस है। उनको जो है ना लाइफ में आगे बढ़ना है, उनको जो है ना पैसे बहुत कमाने हैं, उनको ऐसे कमाने ना कि हाँ आपको खुशी से रख सके। देखो अब प्यार करते हैं, मिस करते हैं, कैसे मुझे दिख रहा है, एक तो कार्ड मुझे यही दिख रहा है कि द लवर्स है, और यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ वैंड्स का है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके साथ जो इनकी फीलिंग्स है ना, आपसे ये बहुत 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 प्यार करते हैं, ठीक है, और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ये बहुत ही अच्छे एक फादर भी होंगे, इनके बच्चे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे यही दिख रहा है कि अब जो है ना आपके पर्सन यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन भी लेने वाले हैं, और किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो ये जो है ना कहीं एक होता है ना कि कनेक्शन बना रहता है, डिवाइन की तरफ से कनेक्शन बना रहता है, तो वही जो है ना कनेक्शन आप लोगों का है। आपके पर्सन बहुत ही रोमांटिक हैं, बहुत ही फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, और ये जो है ना आपके बारे में सोचते भी हैं और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं ये आपके लिए, आपके पर्सन। और इनका जो है ना अंदर अंदर प्लानिंग भी चल रहा है कि हाँ अब तो है ना कि अब मैं जाऊंगा ना अपने पर्सन की लाइफ में, तो मुझे उनको प्रपोज करना है, उनसे शादी करनी है, उनसे जो है ना मुझे बच्चे चाहिए। अगर मैरिड हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का जो है ना आप लोग की गृहस्थी बहुत अच्छी रहने वाली है। फ्यूचर में देखूँ तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, ठीक है। तो आपके पर्सन तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। देखो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे जो है ना, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ दिल से सोचते हैं, जो दिल से सोच करके जो है ना वो एक्शन लेते हैं, वो फैसले लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन जो है ना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, अकड़ू हैं, ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं ना कि ईगो बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसी है कि ऐसे दिखाते ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप रहो नहीं रहो मुझे क्या, मैं ठीक हूँ बस, ठीक है, ऐसी वाली है एनर्जी आपके पर्सन की। और यहाँ पे एनर्जीज ये भी हैं कि आपके पर्सन दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोचते हैं कुछ लोगों के पर्सन, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे दिल से ज्यादा सोचते हैं, कुछ लोगों के पर्सन दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही एनर्जीज मुझे आई है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे एनर्जीज ये भी हैं कि आपके पर्सन जो है ना एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको निगेटिविटी इतनी ना वो घिरी हुई है ना कि कहते हैं ना कि हो सकता है कि आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक भी किया गया हो, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, फैमिली प्रॉब्लम होगी आप लोगों में, या फिर कुछ होगा, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी है जिसके कारण से आपके पर्सन जो है ना उसमें बंद के रह गए हैं। खुद को मतलब होता है ना कि एक मजबूर हो जाता है इंसान कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो ऐसे भी है। और यहाँ पे आपके पर्सन अपने घर में बड़े भी हो सकते हैं, उनपे जिम्मेवारी भी हो सकती है, एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके पर्सन में, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छा जॉब भी करते होंगे आपके पर्सन, ठीक है। अब देखो मैंने जॉब के लिए बोला तो कुछ लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, वो तो जॉब ही नहीं करता, वो तो पढ़ी लिखी ही नहीं है, ये है वो है, तो ये भी तो सुन लो कि एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही लो आप, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये एनर्जीज हैं, और मैंने तो सारी एनर्जीज बता दी, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, द लवर्स हैं, ठीक है। तो चलो कुछ इस कार्ड से देख ले लेते हैं। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, मैंने कहा ना एक्शन लेंगे वो, देखो द चैरिट कार्ड है, तो ये जल्द ही एक्शन लेंगे, लेकिन क्या आपको वेट करना पड़ेगा, 7 मंथ 7 वीक्स 7 डेज में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वो अचानक से ही जो है ना
आपके लिए एक्शन लेंगे। उनकी कोई प्लानिंग नहीं होगी कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे अब एक्शन लेना है कि कब लेना है, ऐसी उनकी कोई प्लानिंग नहीं होगी। ठीक है, वो अचानक से उनके माइंड में चलेगा कि अब जो है ना सही समय आ गया है, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बताया ही कि टाइम पीरियड यहाँ पे अक्टूबर रह सकता है, 7 मंथ, 7 डेज, 7 वीक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने टाइम में जो है ना आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए जो है ना वो आपसे बात करेंगे ही करेंगे, बात ना करने का तो सवाल ही नहीं है। तो चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, क्या बताना चाहते हैं। अभी तो नो कांटेक्ट में है और बात नहीं हो रही आप लोगों की, तो मिस भी कर रहे हैं इतना, क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। मदर इशूज, किसी किसी के लिए आप लोगों के रिलेशनशिप में मदर इश्यूज हो सकते हैं। क्या आप मेरा साथ दोगे, तो आपका साथ वो मांग रहे हैं, आपके पर्सन जो है ना आपका साथ मांग रहे हैं। और यहाँ पे है, मेरा दिल नहीं लगता आपके बिना, मैंने कहा ना वो मिस करते हैं आपको। वाह, अभी मैं गुनगुना रही थी ना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे ये जो है ना सॉन्ग आपके पर्सन गाते होंगे या उनका अच्छा खूब फेवरेट सा सॉन्ग होगा। मैं भी उदास हूँ आपके बिना, वाह देख लो, हम आज का टॉपिक हमारा क्या है कि वो आपको मिस करते हैं कि नहीं, तो देखो मैं भी उदास हूँ आपके बिना, आ गया ना। प्रॉब्लम्स, मैंने कहा ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो यही है, थर्ड पार्टी है, निगेटिविटी है। ये जो है ना सॉन्ग आपके पर्सन को बहुत पसंद होगा या फिर आपको पसंद होगा। तो ये है, मुझे एक किस चाहिए, तो आपसे वो किस मांग रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये रही आज की रीडिंग, और जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, जो कि पेड रीडिंग होती है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, और वीडियोस को मेरे लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। सो बाय।